गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो आज है डेट ऑफ जर्नी 2nd of Feb और मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज हम ट्रैवल करने वाले फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कालका इन कालका शताब्दी। सो फ्रॉम असम के तिनसुकिया से बिहार के पटना तक, देन पटना से हम आए गरीब रथ में। सो ये इस ट्रिप का 3rd ब्लॉग होने वाला है और बाकी अगर आप देखोगे ये दिल्ली में काफ़ी ज़बरदस्त ठंड है भाई, काफ़ी ख़तरनाक ठंड है। ऑल्सो ए ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मोर टू कम, लेकिन सभी को थैंक यू। और यस ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो इसी सपोर्ट बनाए रखना, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस आज हम ट्रैवल करने वाले इन 1201 कालका शताब्दी में जो न्यू दिल्ली से कालका तक हर रोज चलती है सुबह, ये सुबह वाली 7:14 वी विल बी कवरिंग अराउंड 268 किलोमीटर। एक शाम को भी चलती है और अगर आप देखोगे व्हाई आई एम गोइंग टू कालका, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कालका टॉय ट्रेन को कवर करने के लिए, मतलब कालका शिमला टॉय ट्रेन को। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम है कि अभी तक टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, लेट्स सी। होप्सो अगर कंफर्म हो गया तो डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग होगा। फिर ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका है, नेक्स्ट 10 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। बाकी खतरनाक ठंड है भाई, अंदर चलता हूँ, बाहर तो काफ़ी ज़बरदस्त ठंड है। तो शार्प 7:40 गाइस वी आर लिविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, चंडीगढ़ होते हुए हम कालका पहुँचेंगे 11:40 में। फाइनली धूप भी दे दिया भाई, ठंड तो काफ़ी ज़बरदस्त है दिल्ली में। सो गाइस इट्स 8:15 इन द मॉर्निंग और अपनी चाय सामग्री आ चुकी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मतलब मॉर्निंग टी यहाँ पे, ये मैरीगोल्ड के बिस्कुट एंड अंदर यहाँ पे देखोगे चाय सामग्री, दिस इज आई गेस यहाँ पे चाय पत्ती, शुगर वगैरह है, पानी आना बाकी है। बाकी यू विल गेट 1/2 लीटर रियल नील का बटर, तो ये स्टार्टिंग में दे दिए थे, तो ये वाटर बॉटल यूज ऑल्सो देयर। तो अपनी चाय आएगी तो चाय को एंजॉय करेंगे। सो गाइस जर्नी चल रही है अपनी यहाँ पे फर्स्ट क्लास। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा टी आया था सुबह का चाय, तो अब थोड़ी देर में हम अपना फर्स्ट होल्ट है टू पानीपत पहुँचने वाले। और अगर आप देखोगे मैं अभी आया हूँ यहाँ पे कालका शताब्दी के वॉशरूम में। वॉशरूम अगर आप देखोगे इस क्वाइट गुड, ठीक ठाक है, अच्छा है। अगर आप देखोगे जैसे यूजली आपको शताब्दी इसमें देखने को मिलते हैं, फिर मिरर थोड़ा सा गंदा है, बट अगर आप देखोगे ऑब्वियसली वॉश बेसिन इज देयर, लिक्विड सोप है भाई। और इसके अलावा अगर आप देखोगे लाइट इज देयर, तो अगर आप देखोगे जेट स्प्रे इज ऑल्सो देयर। तो इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ सुथरा है, तो ओवरऑल वॉशरूम इज क्वाइट गुड, बस मिरर थोड़ा सा गंदा है। फिर अब थोड़ी देर में हमारा आई गेस पानीपत के बाद ब्रेकफास्ट भी आने वाला है, तो सो फार जर्नी इज क्वाइट गुड। थोड़ी देर में एज ए टोल्ड पानीपत भी हम पहुंचने वाले हैं, तो वहां पे मिलते हैं। बाकी गाइस ये देख लो कालका शताब्दी का बाहर का इंटीरियर, ये भी काफ़ी अमेजिंग है। द टेक्सचर कलर भी काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पे डस्टबिन है। सो 9 AM इन द मॉर्निंग गाइस वी हैव रीच्ड अवर फर्स्ट होल्ट, डेट इज पानीपत जंक्शन। और भाई पानीपत हमेशा स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में सुना करते थे, द बैटल ऑफ पानीपत, आज फाइनली देख ही लिया। आई गेस 3 पानीपत बैटल्स हुए थे, यस जितना मुझे याद है। तो यस वी हैव रीच नाउ पानीपत जंक्शन, स्टेशन कोड इज PNP। और बाय द वे अगर आप देखोगे इस मतलब रूट के जितने भी स्टेशन आने वाले वो सारे जंक्शन है, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो गया, अम्बाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो आई गेस ये एक लोता ऐसा रूट होगा मेरे ख्याल से, जिसमें मतलब जितने भी होल्ड्स है वो सारे यहाँ पे जंक्शन ही होने वाले। खैर अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ट है। ओवरऑल जर्नी इज़ क्वाइट गुड भाई, 130 की स्पीड में चल रही है ट्रेन, और इसके बाद आई गेस हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आने वाला है, तो सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड।
और ठंड तो काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे। और एक और अच्छी बात है कि मेरी यहाँ पे कालका शिमला टॉय ट्रेन भी टिकट कंफर्म हो चुका है, फिर सिग्नल हो चुका है, अंदर चलते हैं। तो जस्ट 2 मिनट का होल्ट है गाइस, नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम पानीपत। बाय द वे इसे जंक्शन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आई गेस 2 या 3 लाइनें, मेन तो दिल्ली कालका वाली लाइन जिससे हम बढ़ रहे हैं, दूसरी एक रोहतक वाली लाइन है, तो और एक लाइन है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नाउ पानीपत। जस्ट हम पानीपत से ही निकले थे, देन हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि क्या कुछ आया है ब्रेकफास्ट में। सो गाइस देख लो, ये हमारा ब्रेकफास्ट है, तो क्या कुछ मिला है आप देख लो यहाँ पे। डेट वन इज़ अ जूस, दिस वन इज़ ब्राउन ब्रेड, आई गेट ये मेरे ख्याल से ऑमलेट होगा, दिस वन इज़ अगर आप देखोगे केचप इज़ दियर, ये वेरका का बटर इज़ दियर, एंड ऑब्वियसली कटलेरी इज देयर। पहले दिखाता हूँ ये क्या है। सो दिस वन इज़ द कटलेट, तो कटलेट आया है, मैंने आई गेस ऑमलेट मतलब नॉन वेज ऑर्डर किया था, बट कोई नहीं वेज आ गया, आई वॉज नॉट हेयर, मैं बाहर वीडियो बना रहा था, फिर कोई नहीं। सो फटाफट से यहाँ पे गाइस ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं और बाद में बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है, टेस्ट क्या ही बताऊँ, वो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो वही सेम रहता है, सैंडविच बना के आप इसको फिनिश करते हैं। हाँ जी, तो गाइस ब्रेकफास्ट हैज़ बीन डन। अगर मैं बताऊँ तो कटलेट्स वाज क्वाइट गुड, लेकिन थोड़े से ठंडे थे यहाँ पे। इसके अलावा आपको फ्रेंच फ्राइज और कुछ यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स भी मिले थे, तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट वाज क्वाइट गुड, ठीक ठाक था आई वुड से। बस वो कटलेट अगर थोड़े गर्म होते तो सही होता था। तो अभी अगर आप देखोगे हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र जंक्शन। हम पहुंच चुके कुरुक्षेत्र जंक्शन, ये देख लो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बस 2 ही मिनट का होल्ट है तो इसलिए बाहर नहीं निकल रहा हूँ। स्टेशन कोड इस KKDE एंड जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो कुरुक्षेत्र ही है, बाकी ये भी एक जंक्शन है एज आई टोल्ड यू दैट। तो मेन लाइन तो वही दिल्ली कालका वाली एंड दूसरी अगर आप देखोगे कुरुक्षेत्र नरवाना वाली लाइन है। तो सो जस्ट 2 मिनट का होल्ट था, अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र से। एंड बाय द वे आप लोगों को बता दूँ, वी आर इन हरियाणा, पानीपत से ही हरियाणा में। बस अगर आप देखोगे चंडीगढ़ जो कि पंजाब एंड हरियाणा का कैपिटल है, दोनों का कैपिटल है, तो काइंड ऑफ हम बात करें तो वहाँ पे हम पंजाब को टच करेंगे, देन उसके बाद तो कालका तक तो हरियाणा ही है। आई गेस ये वाला लाइन होगा जो नरवाना की तरफ जाती है, एंड वी हैव नाउ गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कालका लाइन। टेन 15 इन द मॉर्निंग गाइस, वी हैव रीच्ड अवर थर्ड होल्ड अम्बाला कैंट जंक्शन, एंड सो फार वी हैव कवर अराउंड अगर आप देखोगे 199 किलोमीटर। तो ये भी एक जंक्शन है, और अगर आप देखोगे मेन लाइन तो वही दिल्ली कालका एंड मुरादाबाद अम्बाला लाइन है, और 2-4 लाइन्स है। आई गेस जम्मू कटरा जाने वाली लाइन भी यहीं से जाती होगी, माँ वैष्णो देवी कटरा जम्मू वाली, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इधर से ही जाता होगा। बाकी अगर इस रूट पे अगर आप देखोगे 2-2 वंदे भारत भाई चलते, तो मोस्ट प्रोबेबली कभी मौका मिला तो ऑब्वियसली उनको भी कवर करेंगे, बट सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। स्टेशन आया मेरे लेफ्ट की तरफ, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अभी फ़िलहाल ठीक ठाक जर्नी चल रही है। एंड अगर आप देखोगे इसके बाद आने वाला चंडीगढ़ जंक्शन, तो ट्रेन तो ज़बरदस्त स्पीड में चल रही है भाई साहब, आई गेस
बिफोर टाइम ही हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बस जस्ट 2 मिनट का होल्ड था, अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे अम्बाला कैंट से। और अभी अभी मैंने चेक किया जी हाँ, माँ वैष्णो देवी कटरा आप अम्बाला के थ्रू ही मतलब यहाँ से जा सकते हैं। एंड दूसरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमृतसर भी इसी रूट से जाता है, तो ये ऑब्वियसली मुझे लगा चंडीगढ़ से होते हुए जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ से अमृतसर होते हुए जाता है। और बाय द वे एक ट्रेन तो चलती है, आप लोगों को मालूम होगा, न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस। तो ये ऑब्वियसली कभी मौका मिला है तो उसमें भी जर्नी जरूर करेंगे टिल अमृतसर। वैसे तो अमृतसर मुझे आना है ही गोल्डन टेम्पल के लिए। सो अभी मुझे कॉफ़ी पीने का मन हुआ तो यस मैंने मंगा लिया, और यस उन्होंने ला के दिए। ये एडवांटेज है भाई शताब्दी में, आप मंगा सकते हो लेकिन अनलिमिटेड नहीं, एक बार आप तो मंगा ही सकते हो। चलो कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद तो यहाँ पे चंडीगढ़ आ ही जाएगा जो कि लास्ट होल्ड होने वाला, देन फाइनली हम पहुँच जाएंगे कालका। देन उसके अगले आधे घंटे में मतलब 12:30 में मेरा रिटर्न ट्रेन है कालका टॉय ट्रेन, तो वो ब्लॉग भी काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो उसको जरूर वेट करना, या फिर अगर आ चुका होगा तो आप देख लेना चैनल पे। पहुंच गए जी चंडीगढ़ 11 AM, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे नारे चल रहे पता नहीं क्यों। सो गाइस 11 AM इन द मॉर्निंग वी हैव रीच चंडीगढ़। बाकी चंडीगढ़ में देख लो गाइस पूरा ट्रेन खाली हो चुका है, बाहर गया हुआ था, नारे लग रहे पता नहीं क्या चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज हरियाणा एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज, तो भाई चंडीगढ़ से अगर आप देखोगे जो मेरी वापसी की ट्रेन है तो यहाँ से ही है। तो यस ऑब्वियसली बाद में इसको बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। सो फार वी हैव कवर अराउंड 244 किलोमीटर्स। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम है नहीं कालका के लिए, और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे बाय। एंड अगर आप देखोगे तो जो मैंने वो कॉफ़ी ली थी ना गाइस वो चार्जेबल था भाई, मेरे को 20 रुपीज़ देना पड़ा। खैर कोई नहीं, 20 रुपीज़ ठीक ही है। सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड। ये हमारा लास्ट होल्ड है, इसके बाद अगर आप देखोगे डायरेक्टली कालका हमारा मतलब स्टॉपेज होने वाला है। एंड सो फार वी हैव कवर अराउंड 244 किलोमीटर, और हमारे यहाँ पे सिग्नल भी हो चुकी है, तब यहाँ पे नारे लग रहे थे लेकिन। सो 5 मिनट्स का होल्ड है गाइस, निकल चुके हैं चंडीगढ़ जंक्शन से। एंड बाय द वे अगर आप देखोगे एक ट्रेन यहाँ से चलती है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, तो ये अमृतसर के लिए भी है, चंडीगढ़ के लिए भी ट्रेन है। आपको मैंने यहाँ पे इस ट्रेन का इंटीरियर नहीं दिखाया है अभी तक फिलहाल, तो तब पूरी तरीके से भीड़ था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। टॉकिंग अबाउट दी इंटीरियर गाइस, प्रीवियसली मैंने 2 शताब्दीज की है, अगर आप देखोगे यहाँ पे गुवाहाटी नार लोगन एंड हावड़ा NJP, एंड ये मेरा तीसरा है। तो कोट मी ऑन डेट आई गेस ये सबसे शॉर्टेस्ट शताब्दी है मेरे ख्याल से, मुझे इतना आइडिया है, मुझे मालूम नहीं। फिर इंटीरियर अगर दिखाऊँ तो एज आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इंटीरियर देखो कुछ इस तरीके का है, अभी तो फिलहाल पूरा खाली हो चुका है, 3x2 का कम्बिनेशन है। ऊपर अगर आप देखोगे लाइट्स है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रे टेबल मिल जाएगा जो कि अभी से डेट काफ़ी ठीक ठाक है। देन दूसरी अगर आप देखोगे भाई प्रमोशन क्या हुआ है यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त जगह है प्रमोशन करने के लिए। फूड ट्रेस भी सही है, ठीक ठाक है। ये आई गेस मैगजीन होल्डर है एज वेल एज यहाँ पे बोतल होल्डर इज देयर। एंड अगर आप देखोगे ऊपर आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाएगा, रीडिंग लैंप्स हाँ भाई चलता है सही है, ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कर्टेंस है जो कि आई वुड से इट काफ़ी अमेजिंग है। ओवरऑल इंटीरियर इज़ क्वाइट गुड, और SMS सारे जो शताब्दी से उनकी तरह ही है। लेकिन अगर आप देखोगे इस रूट पे ना ट्रेन्स की कमी नहीं है शताब्दी की भाई, चंडीगढ़ शताब्दी आपको मिल जाएगा, दूसरी आपको यहाँ पे कालका शताब्दी दो दो मिलेंगे, एक सुबह एक शाम। अमृतसर शताब्दी भी दो मिलेंगे, एक सुबह एक शाम। देन ऑब्वियसली 2 वंदे भारत इज यार, एक जम्मू कटरा वाली, देन माँ वैष्णो देवी वाली, देन दूसरी अभी ऊना वाली जो अभी रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगा 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। तो भाई ऊना जन शताब्दी इज ऑल्सो देयर भाई, दिल्ली में अगर मैं रह गया ना भाई कंटेंट ही कंटेंट है भाई, खतरनाक कंटेंट है। सो लेट्स सी, सोचना पड़ेगा अगर दिल्ली में रहा तो काफ़ी जगह को एक्सप्लोर करूँगा। इन फ्यूचर होपफुल
भी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके रहेंगे और ज़बरदस्त कंटेंट बनाएंगे। खैर अब थोड़ी देर में आई गेस हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे कालका। कालका शताब्दी की प्राइसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो आई पेड 690 रुपीस फॉर 269 किलोमीटर, बट ओवरऑल अगर आप IRCTC की वेबसाइट से अगर आप बुक करोगे तो GST वगैरह लगा के 710-715 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको यस कम्प्लीमेंट्री टी एंड ब्रेकफास्ट आपको दिया जाएगा। तो ये प्राइसिंग आप लोगों की थोड़ी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है या गलत है, प्राइसिंग कितनी है क्या है। इन द मॉर्निंग गाइस, वी हैव रीच्ड नाउ कालका। सो अभी मेरे को फटाफट भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाना होगा क्योंकि मेरी कालका शिमला टॉय ट्रेन वहाँ से खुलने वाली। खैर आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बाकी में धमाकेदार होने वाला, तो स्टे ट्यून रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी।